हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ कांस्टेबल पीएचपी इंटरव्यू के क्वेश्चंस शेयर किए जाएंगे। 7 जून 2022 को पीएचपी का इंटरव्यू हुआ है। उस इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस कैंडिडेट से पूछे गए, उन तमाम सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे। व्यूवर्स, कोई भी इंटरव्यू की जब हम वीडियो अपलोड करते हैं तो वो एक सर्वे के तहत अपलोड की जाती है। ई टेस्ट प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है, ई टेस्ट यूट्यूब चैनल ऐसा चैनल है जिसे रोज़ाना की बुनियाद पर 40 से 50 हज़ार लोग देखते हैं। हम उन तमाम कैंडिडेट से जो हमसे रबते में हैं, उनसे हम क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद उन्हें फ़िल्टर करते हैं। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, वो तमाम सवालात हम आपके साथ वीडियो में वजाहत के साथ डिस्कस करते हैं। चलते हैं और इस इंटरव्यू की वीडियो को क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले नोट कर लें, ये जो क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर जो नंबरिंग वाला क्वेश्चन होगा, ये ऐसा क्वेश्चन होगा जो मोस्टली कैंडिडेट से, तकरीबन 95% कैंडिडेट से पूछा गया होगा। वो हम क्वेश्चन यहाँ पे रखेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और जो क्वेश्चन तमाम कैंडिडेट से नहीं पूछा गया, 50% कैंडिडेट से पूछा गया है या 60% से, वो हम यहाँ पर शॉर्ट डिटेल में रखेंगे ताकि आपको आइडिया हो सके कि ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट रिपीटेड है और नीचे वाला क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और तमाम क्वेश्चंस को हम इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हम वन बाय वन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए हमने कोशिश की है कि इस वीडियो में हम तकरीबन 100+ MCQs को वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस करें। सवाल नंबर एक, पाकिस्तान कब मार्ज़े वजूद में आया? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया। व्यूअर्स, बहुत से कैंडिडेट से पाकिस्तान के बनाए जाने की डेट साल पूछा गया है और बहुत से कैंडिडेट से इस्लामी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक पूछा गया है और बहुत से कैंडिडेट से ईसवी कैलेंडर के मुताबिक पूछा गया है। नोट कर लें, ईसवी कैलेंडर के मुताबिक पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को मार्ज़े वजूद में आया। इस्लामी हिजरी कैलेंडर के मुताबिक पाकिस्तान 27 रमज़ानुलमबारक 1366 हिजरी को मार्ज़े वजूद में आया। सवाल नंबर दो, करारदाद मकासद क्यों पेश की गई? करारदाद मकासद या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश करने का बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान का जो भी आइन या कानून मुस्तकबिल में बनाया जाएगा वो दीन इस्लाम के असूलों के मुताबिक बनाया जाएगा। करारदाद मकासद या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ये 12 मार्च 1949 को मंजूर हुई। इस करारदाद को वज़ीर आज़म, जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे लियाकत अली ख़ान, उन्होंने 7 मार्च 1949 को असम्बली में पेश किया और 12 मार्च 1949 को ये करारदाद मंजूर हुई। सवाल नंबर तीन, पहला मार्शल ला किसने लगाया? पहला मार्शल ला सिकंदर मिर्ज़ा ने लगाया। पहला मार्शल ला पाकिस्तान के पहले सदर सिकंदर मिर्ज़ा ने 7 अक्टूबर 1958 को लगाया। सवाल नंबर चार, लोग तशद्दुद को क्यों पसंद करते हैं? वीवर जी, एक साइकोमेट्रिक एमसीक्यूज है, साइकोमेट्रिक क्वेश्चन है। ये जो लोग तशद्दुद को पसंद करते हैं वो नफ्सियाती बीमारी का शिकार हो सकते हैं, वो नफ्सियाती मरीज हो सकते हैं। जो लोग तशद्दुद को पसंद करते हैं उनमें नफ्सियाती मसला हो सकता है। जब कैंडिडेट्स ने ये रिप्लाई दिया इंटरव्यू पैनल को कि वो नफ्सियाती मरीज हो सकते हैं, तो पैनल ने आगे से दोबारा क्वेश्चन ये किया कि ये जो नफ्सियाती मसला है ये क्या है, किस तरह से ये नफ्सियाती मसला पैदा होता है। तो यहाँ पर कैंडिडेट्स कन्फ्यूज हो गए। नोट कर लें, ये जो तशद्दुद करना, इसे पसंद करना, ये उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है जो बचपन से ही ऐसे माहौल में बड़े हों जो तशद्दुद पसंद अनासिर पर मुश्तमिल हो। जिन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स, जिन्होंने या ऐसे लोग जिन्होंने बचपन से ही तशद्दुद को देखा है, तो उनमें ये तासुर पाया जाता है कि वो तशद्दुद को पसंद करते हैं। जब बार बार इंसान एक चीज़ को देखता है तो ना चाहते हुए भी उसे करने की कोशिश करता है, और यही वजह है कि जो लोग तशद्दुद को पसंद करते हैं वो बचपन से ही ऐसे माहौल में रहते हैं जिसकी वजह से वो ऐसा फीडबैक देते हैं, ऐसा रिएक्शन देते हैं जिससे जाहिर होता है कि ये तशद्दुद पसंद लोग हैं। सवाल नंबर पाँच, इंसान के जिस्म में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इंसान के जिस्म में 206 हड्डियाँ होती हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके जिस्म में 300 हड्डियाँ होती हैं। वक़्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो हड्डियाँ आपस में जुड़ना शुरू हो जाती हैं और एट द एंड ये हड्डियाँ आपस में जुड़कर 206 हड्डियाँ रह जाती हैं। व्यूवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने अभी तक ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ई टेस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि फ्यूचर में आने वाले लेटेस्ट सॉल्व पेपर्स की वीडियोस अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर किसी भी तहरीरी इम्तिहान की तैयारी या इंटरव्यू की तैयारी इसी तरह मुकम्मल वजाहत के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती है। इसके अलावा व्यूअर्स कांस्टेबल पंजाब हाईवे पेट्रोल PHP के इंटरव्यू की तैयारी के लिए मौजूदा और साबका इंटरव्यूज में पूछे जाने वाले हलशुदा सवालात पर मुश्तमिल नोट्स आज ही आप ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवा सकते हैं। ई टेस्ट अकेडमी के तमाम नोट्स में मौजूदा करंट अफेयर से मुतलका सवालात को रोजाना की बुनियाद पर अपडेट किया जाता है। इसके अलावा आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर करके भी बजरिया डाक नोट्स मंगवा सकेंगे। जो कैंडिडेट्स बजरिया डाक नोट्स मंगवाना चाहते हैं तो वो हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज है। सवाल नंबर 6, DNA किसका मुखफ्फ है? DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड का मुखफ्फ है। वीवर्स ये आपके सामने लिखा हुआ है उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। बहुत से कैंडिडेट से DNA का मुखफ्फ पूछा गया है कि DNA स्टैंड्स फॉर, और बहुत से कैंडिडेट से डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसके स्पेलिंग पूछे गए हैं, इसलिए इसके स्पेलिंग भी याद कर लें। लाजमी नहीं है कि फ्यूचर में ये दोबारा पूछा जाए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन पूछा जा भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, सवाल नंबर 7, ट्रांसफार्मर क्या है? जिन कैंडिडेट्स ने DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या मैकेनिकल किया हुआ था उन कैंडिडेट से ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा गया है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा आला है जो करंट की सप्लाई वसूल करता है और उसे हदायात के मुताबिक कम ज्यादा करके मुतलका इलाका या यूनिट को फराहम करता है। इसके अलावा चंद कैंडिडेट से ट्रांसफार्मर की इकसाम पूछी गई है। ट्रांसफार्मर की दो इकसाम है जिनमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर शामिल है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर वहां पे इस्तेमाल किया जाता है जहां पर वोल्टेज बढ़ाकर प्रोवाइड करने हो, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहां पर मुहैया किया जाता है जहां पर वोल्टेज ज्यादा हो, उन्हें कम करके एक मुकर्रर हद तक फराहम करना मकसूद हो। सवाल नंबर 8, फिरका वारियत का इस्लाम में क्या मुकाम है? इस्लाम में फिरका वारियत से सख्ती से मना किया गया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका में मत पड़ो। ये आप चेक करना चाहते हैं तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 चेक करें, जिसमें अल्लाह ताला ने मना फरमाया है कि फिरका परस्ती में मत पड़ो। और अगर आप 104 नंबर आयत सूरह आल इमरान की और 105 नंबर आयत चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि इन तीनों आयात में, पहली आयात में 103 नंबर में मना किया गया है, 104 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और ये जो आगे की आयात हैं उनमें वो वईद सुनाई गई है कि जो लोग फिरका परस्ती में पड़ेंगे वो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक ठहरेंगे। इसके अलावा व्यूअर्स चंद कैंडिडेट से ये कहा गया कि अगर फिरका परस्ती में ना पड़ा जाए, अगर आप फिरका परस्ती को फॉलो नहीं करते, आप किसी फिरका में शामिल नहीं होते तो आप अपने आप को क्या कहेंगे? तो यहाँ पर बेहतरीन जवाब ये बनता है कि हम अपने आप को मुसलमान कहेंगे। मुसलमान होने का सबूत हमारे पास मौजूद है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह हुआ समाकुमुल मुस्लिमीन व कबुल वफी हाजा, अल्लाह ने तुम्हारा नाम पिछली किताबों में भी और इस किताब में भी मुसलमान रखा है और हमारे पास सबूत है कि हम मुसलमान हैं। इसके अलावा अगर हम किसी भी फिरका में शामिल होते हैं, किसी भी फिरका में शामिल होने का हमारे पास सबूत नहीं है कि जो नाम उस फिरके का है वो कुरान और हदीस से साबित है या नहीं है। अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो सूरह हज की आयत नंबर 78 नंबर आयत है, उसे चेक कर लें। उसमें अल्लाह ताला ने आपका नाम वाज़े तौर पर बताया है कि मैंने तुम्हारा नाम पिछली किताबों में भी और इस किताब में भी मुसलमान रखा है। ये तमाम तफसील वजाहत आपको इसलिए फराहम की जा रही है क्योंकि जब आप इंटरव्यू में शामिल होंगे, जो भी आप आर्गूमेंट देंगे तो उस आर्गूमेंट को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक आंसर दे देते हैं तो उस आंसर के जवाब पर पैनल जो है आपसे उस आंसर से मिलता जुलता दूसरा क्वेश्चन कर सकता है। इसलिए आपको अपने आर्गूमेंट्स को डिफेंड करना है। जो भी आप आर्गूमेंट दें, अगर वो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आपके पास कुरान और हदीस से दलाइल मौजूद हों। सवाल नंबर 9, पाकिस्तान कब एटमी ताकत बना? पाकिस्तान 28 मई 1998 को एटमी ताकत बना। पाकिस्तान 28 मई 1998 को एटमी ताकत बनकर पूरी दुनिया के सामने उभरा। उस दिन पाकिस्तान ने बलूचिस्तान चागी में शाम 3:15 पर पहला एटमी मुजाहरा किया। हर साल पूरी दुनिया को याद करवाने के लिए कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार एटमी मुल्क है, हर साल 28 मई को यौम तकबीर मनाया जाता है। सवाल नंबर 10, मुमताज कादरी के बारे में आप क्या जानते हैं? व्यूअर्स, मुमताज कादरी के बारे में पूरा पाकिस्तान जानता है, बल्कि दुनिया में बहुत से ऐसे खित्ते हैं जो मुमताज कादरी के बारे में जानते हैं। मुमताज कादरी पंजाब पुलिस कमांडो यूनिट इलियट फोर्स के सिपाही थे
और गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के सिक्योरिटी अहलकारों में शामिल थे। गवर्नर पंजाब सलमान तासीर की जानिब से तौहीन रसालत पर तनकीद किए जाने पर मुमताज कादरी ने इसे फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुमताज कादरी को 29 फरवरी 2016 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर सजाए मौत दी गई। व्यूवर्स, अगर आप इन तमाम सवालों को जो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं इन्हें आप रीड आउट करना चाहते हैं तो आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ई टेस्ट वेबसाइट विजिट करने का तरीकाकार इंतहाई सिंपल है। आप गूगल पर ई टेस्ट लिखकर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें और इसमें आपको ये तमाम जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और किसी भी इम्तिहान या पोस्ट की तैयारी के लिए तमाम करंट एंड पास पेपर्स मिलेंगे। जितना भी डाटा आपको ई टेस्ट वेबसाइट पे मिलेगा वो मुकम्मल हलशुदा होगा। सवाल नंबर 11, पुलिस का निजाम किस खलीफा ने मुतारिफ करवाया? पुलिस का निजाम उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुतारिफ करवाया। व्यूअर्स, अगर ये क्वेश्चन मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से हट कर पूछा जाए कि आप ये बताएं कि पूरी दुनिया में ये प्रॉपर जो सेटअप है पुलिस डिपार्टमेंट का, ये सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया, कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, तो सबसे पहले पुलिस का जो महकमा है ये पेरिस में कायम किया गया था। सवाल नंबर 12, पुलिस किस कानून के तहत काम करती है? पुलिस आर्डर 2002 के तहत काम करती है। सवाल नंबर 13, पुलिस की क्या ड्यूटी है? पुलिस की ड्यूटी अवाम के मालो जान की हिफाजत करने के साथ साथ मुआशरे से शर पसंद अनासिर का खात्मा करना है। सवाल नंबर 14, आप पुलिस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? यहाँ पर आप कोई भी आंसर दे सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपकी सिलेक्शन जो है उसके चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर मैं पुलिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करता तो मैं यही आंसर देता जो आपके सामने लिखा हुआ है। मुझे बचपन से पुलिस डिपार्टमेंट पसंद है, पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना मेरा शौक है और ये एक बाइज्जत रोजगार भी है, इसलिए मैं पुलिस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। सवाल नंबर 15, आप पुलिस में आकर क्या करोगे? पुलिस में आकर पूरी कोशिश करूंगा कि अवाम के मालो जान की हिफाजत के साथ साथ मुआशरे से बुराइयों का खात्मा पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर करूँ। व्यूअर्स, इस तरह के जो सवालात हैं इनका जब भी आपने जवाब देना है तो अपने आप को आपने पीछे रखना है और पुलिस डिपार्टमेंट को आगे रखना है। किस तरह, इसे जरा गौर से सुनिएगा। कोई भी आपने बात करनी है अवाम की फलाह व बहबूद के लिए तो आपने पुलिस डिपार्टमेंट के तवस्सुत से करनी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि जी मैं अगर पुलिस में सिलेक्ट हो जाऊंगा, अपॉइंट हो जाऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं कहना। आपने ये कहना है कि पुलिस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मैं ये काम करूंगा, मैं इस तरह से करूंगा, यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के तवस्सुत से। आपने अपने आप को बिल्कुल भी हाईलाइट नहीं करना। व्यूअर्स, नोट कर ले, ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर में जाए, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करें, आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप आएगी। इसे डाउनलोड करें और किसी भी इम्तिहान की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। सवाल नंबर 16, आप में ऐसी क्या खूबी है कि हम आपको पुलिस डिपार्टमेंट में रख लें? बहुत से कैंडिडेट से ये क्वेश्चन पूछा गया और ज़्यादातर कैंडिडेट्स जो हैं वो कंफ्यूज हुए। नोट कर लें, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन हो तो इसके जवाब में आप ये भी कह सकते हैं कि सर मेरी तालीमी काबिलियत ऐसी है जिससे पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल होकर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकता हूँ। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं, अगर आप किसी भी खेल के खिलाड़ी हैं, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, कुछ भी खेलते हैं, तो आप कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूं जी मैं कबड्डी का बेहतरीन खिलाड़ी हूं और मैं समझता हूं कि जिस्मानी तौर पर मजबूत होने की वजह से पुलिस डिपार्टमेंट में नुमाया खिदमात सर अंजाम दे सकता हूँ। इसके अलावा कोई भी सूटेबल आंसर आप दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने यही आंसर देना है जो आपको बताया जा रहा है। इससे अलावा इससे बेहतरीन भी अगर कोई आर्गुमेंट है, कोई पॉइंट है आपके पास, तो वो आप इंटरव्यू पैनल के सामने रख सकते हैं। सवाल नंबर 17, पंजाब पुलिस का मौजूदा आईजी कौन है? वीवर जी, ऐसा क्वेश्चन है जो सबका इंटरव्यूज में भी पूछा गया है, आज के इंटरव्यू में भी पूछा गया और इसके अलावा जितने भी इंटरव्यूज फ्यूचर में होंगे उन तमाम में पूछा जाएगा। इस वक्त 2022 में राव सरदार अली खान जो हैं ये पंजाब पुलिस के मौजूदा आईजी हैं। राव सरदार अली खान 8 सितंबर 2021 से बतौर इंस्पेक्टर जनरल पंजाब खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। वीवर, इसके अलावा जब भी आप फ्यूचर में ये वीडियो देखें उस वक्त के जो मौजूदा आईजी पंजाब पुलिस हों आप उन्हें एक दफ़ा वेरीफाई कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो आईजी होते हैं या कोई भी गवर्नमेंट होती है ये वक्त के साथ साथ तब्दील होती रहती है। और ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा जब ये चेंज हो जाए। सवाल नंबर 18, गाजी इलमदीन शहीद के बारे में आप क्या जानते हैं? गाजी इलमदीन शहीद लाहौर के एक नाशिर, लाहौर का एक पब्लिशर था जिसका नाम था राजपाल। इसने एक ऐसी किताब शाया की जिसमें
गुस्ताखी की गई, जिसमें तोहीन रसालत की गई, तो इससे मुसलमानों के जो एहसासात थे, जज्बात थे, वो मजरू हुए। अदालत से रजू किया गया, मुसलमानों ने अदालत से रजू किया, अदालत ने इस शख्स को, राजपाल को गिरफ्तार किया और कुछ अरसे के बाद, कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ दिया। इस शख्स राजपाल को गाजी इलमदीन ने 29 अप्रैल 1929 को कत्ल किया। इस कत्ल करने पर अंग्रेज सरकार ने गाजी इलमदीन शहीद को सजाए मौत सुनाई और 31 अक्टूबर 1929 को आपको तख्ता दार पर लटका दिया गया। ये एक मुख्तसर सी डिटेल है जो आपके साथ शेयर की है। अगर आपके पास इस इंफॉर्मेशन से हटकर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। सवाल नंबर 19, इस्लामाबाद पुलिस का मौजूदा आईजी कौन है? इस्लामाबाद पुलिस का मौजूदा आईजी जो है उसका नाम डॉक्टर अकबर नासिर खान है। डॉक्टर अकबर नासिर खान 21 मई 2022 से बतौर इंस्पेक्टर जनरल इस्लामाबाद पुलिस खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। व्यूअर्स, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसलिए फ्यूचर में जब भी आप किसी भी इंटरव्यू में शामिल हों पुलिस डिपार्टमेंट के, तो करंट आईजीज को लाजमी तैयार कर लीजिएगा, चाहे वो पंजाब का है, चाहे सिंध का है, चाहे बलूचिस्तान केपी के या इस्लामाबाद का। तमाम सूबों के आईजीज जो हैं उनके नाम अच्छे तरीके से याद कर लें और साथ साथ ये भी जहन नशीन कर लें कि किस तारीख से, किस डेट से वो बतौर आईजी काम कर रहे हैं। सवाल नंबर 20, क्या आप किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? ये ऐसा क्वेश्चन है, अगर आप इसके जवाब पर हाँ कहेंगे तो हो सकता है आपको पुलिस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट ना किया जाए। अगर आपका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक है, अगर आप इंटरव्यू में ये बताते हैं कि मेरा फलां सियासी पार्टी से ताल्लुक है, तो आप इंटरव्यू में फेल होंगे, 100% आप फेल होंगे। इसलिए अगर आपका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से है तो सियासी एक्टिविटीज़ को छोड़ दें, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं रख सकता। इस किस्म का सवाल अगर किया जाए तो आपने वाज़े तौर पर इंटरव्यू पैनल को बताना है मेरा या मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर का किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। इस किस्म का फिक्रा जो है ये जाहिर करेगा कि आप नॉन पॉलिटिकल हैं, आपका या आपकी फैमिली का सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, और ये आंसर, ये जवाब आपकी फेवर में होगा। व्यूअर्स, नोट कर लें, मुलाजमत से मुतल्लिका किसी भी तहरीरी इम्तिहान इंटरव्यू में कामयाबी के लिए ई टेस्ट अकेडमी के तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाजमी लाइक और फॉलो करें। आपके सामने ई टेस्ट फेसबुक पेज है, उसका लिंक मौजूद है, इंस्टाग्राम, ई टेस्ट ट्विटर का लिंक मौजूद है, इन तमाम लिंक्स को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, ताकि आप इन तमाम प्लेटफॉर्म से भी मुस्तफीद हो सकें। सवाल नंबर 21, हजूम को कैसे कंट्रोल करोगे? हजूम को, क्राउड को कंट्रोल करने की मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज हो सकती हैं। इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से आप इलेबोरेट कर सकते हैं, कोई भी टेक्निक आप बता सकते हैं, कोई भी प्लानिंग आप बता सकते हैं, यह आप पर डिपेंड करता है। हजूम को कंट्रोल करने के लिए मौका के मुनासबत से हिकमत अमली बनाई जाती है। अब ये जो हजूम है ये किसी खुले ग्राउंड में भी हो सकता है, किसी मार्केट में भी हो सकता है, किसी बाजार में हो सकता है, किसी गली में हो सकता है, इस तरह मुख्तलिफ सिचुएशंस हो सकती हैं। अगर हजूम किसी बाजार या मार्केट में है तो आप मार्केट या बाजार के दाखिली और खारजी रास्तों को कंट्रोल करेंगे और गैर मुतलका लोगों को मुतलका एरिया से बाहर निकालते जाएंगे, इस तरह आसानी से आप सूरत हाल पर कंट्रोल कर लेंगे। सवाल नंबर 22, मुहर्रर कौन होता है? मुहर्रर जो है ये मुतलका थाने की तमाम कागजी कार्रवाई का जिम्मेदार होता है। अगर आप कभी थाने में गए हैं तो जो शख्स एफआईआर दर्ज करता है, आपको मालूमात फराहम करता है, वो मुहर्रर होता है। ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं ये मुहर्रर के जिम्मे होती हैं। मुहर्रर अमूमन एक हवालदार होता है, लेकिन ये ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि बहुत से थानों में देखा गया है कि हवालदार के जो फ़राइज़ हैं वो एक कांस्टेबल सरंजाम दे रहा है। सवाल नंबर 23, एफआईआर क्या होती है? एफआईआर किसी भी हादसा या वाक़या से मुतलका पहली रिपोर्ट होती है जो मुदई मुतलका थाना में दर्ज करवाता है। अगर मुदई नहीं है तो पुलिस खुद भी वकुआ जात का मुआयना करके एफआईआर दर्ज कर सकती है। एफआईआर स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एफआईआर जो है ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मुखफ्फ है। सवाल नंबर 24, मिसाली पुलिस ऑफिसर को कैसा होना चाहिए? एक मिसाली पुलिस ऑफिसर को ईमानदार, फर्द शनास और मेहनती होना चाहिए। सवाल नंबर 25, क्या पुलिस करप्शन करती है? व्यूअर्स, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसका जवाब आपने सोच समझ कर देना है। चाहे पुलिस करप्शन करती है या नहीं करती, आपने ऐसे सवालात का जवाब इंकार की सूरत में देना है। पुलिस का महकमा दिन रात अवाम की खिदमत में मसरूफ रहता है। मैंने कभी भी अपने इलाका की पुलिस को करप्शन करते हुए नहीं देखा। व्यूअर्स, ये जवाब जो है ये बेहतरीन जवाब है। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि आप ये बताएं
कि आपने कभी सुना तो होगा कि पुलिस करप्शन करती है, तो इसके जवाब में आप ये कह सकते हैं कि सर सिर्फ सोशल मीडिया या अखबारात वगैरह में पुलिस करप्शन की चंद एक खबरें नज़र से गुजरी हैं। वैसे अमूमन जो है हमारे इलाके में, हमारे शहर में पुलिस करप्शन का कोई भी केस कभी भी सामने नहीं आया। सवाल नंबर 26, अगर आपको SHO कहे तो आप गोली चला दोगे? अगर SHO किसी ऑपरेशन के दौरान गोली चलाने का कहेगा तो उसके ऑर्डर की पैरवी की जाएगी, उसका ऑर्डर जो है वो माना जाएगा और गोली चला दी जाएगी। अगर SHO किसी ऑपरेशन के दौरान मुझे कहता है जी आप गोली चलाएं तो मैं गोली चला दूंगा, क्योंकि उस वक्त ये काम जो है ये ऑफिशियल है। अगर SHO अपने फराइज के अलावा अपने जाती मुफाद के लिए गोली चलाने का कहेगा तो मैं कभी भी गोली नहीं चलाऊंगा। सवाल नंबर 27, अगर आपके सामने कोई तोहीन रसालत करे तो आप क्या करोगे? व्यूवर्स, ये बहुत ही हसास सवाल है जो बहुत से कैंडिडेट से किया गया है। याद रखें, तोहीन रसालत जो है ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी सजा मौत है। तोहीन रसालत के बारे में ये आता है जो तोहीन रसालत करता है उसका सर कलम कर दिया जाए, लेकिन जहन में रखें ये जो सर कलम करना है या सजाए मौत है, ये तमाम चीज़ें आप नहीं कर सकते। ये जो रियासत है, हुकूमत वक्त है, ये उसका काम है। पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, अगर कोई शख्स तोहीन रसालत करता है उसके खिलाफ जो कार्रवाई है, उसके लिए जो सजा है वो रियासत मुंतखब करेगी। आप कभी भी कानून को हाथ में नहीं ले सकते। व्यूअर्स, इस सवाल का जवाब जो है थोड़ा सा नोट कर ले, सुन ले। अगर कोई मेरे सामने तोहीन रसालत करेगा तो मैं उसे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के मुताबिक समझाऊंगा। हो सकता है जो गुस्ताखी वो कर रहा है उसे उस गुस्ताखी के बारे में इलम ही ना हो, वो जो बात कह रहा है उसके नज़दीक वो गुस्ताखी ना हो, इसलिए सबसे पहले मैं उसे समझाऊंगा, उसे बताऊंगा, और अगर वो फिर भी बाज ना आए तो मैं फौरी तौर पर पुलिस को इतला करूंगा ताकि ऐसे शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। सवाल नंबर 28, क्या अवाम पर तशद्दुद करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। पुलिस का काम अवाम की मालो जान की हिफाजत करना है, ना कि अवाम पर तशद्दुद करना। सवाल नंबर 29, पुलिस की खूबियां बयान करें। पुलिस की बहुत सी खूबियां हैं, आप कोई भी खूबी बयान कर सकते हैं। महकमा पुलिस अवाम की मालो जान की हिफाजत करता है। महकमा पुलिस मुआशरे से इखलाकी और मुआशरती बुराइयों को ख़त्म करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। महकमा पुलिस मुल्क में आइनों कवानीन को नाफिज करने के लिए मुतहर्रिक रहता है। महकमा पुलिस दिन रात बगैर किसी तफरीक के अवाम के लिए आसानियां पैदा करने के लिए सरगर्म अमल है। व्यूअर्स, ये तमाम पुलिस की खूबियां हैं, इसके अलावा भी बहुत सी पुलिस की खूबियां हैं, आप कोई भी खूबियां बता सकते हैं। इतना टाइम इंटरव्यू में नहीं होता कि आप 15-20 खूबियां बताएं, जैसे ही आप 2-3-4 खूबियां बताएंगे तो आपसे अगला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इसलिए 2-3-4 बेहतरीन पॉइंट्स जो हैं वो याद करके जाएं। सवाल नंबर 30, एक पुलिस ऑफिसर होने की बिना पर अपनी ड्यूटी बताएं। एक पुलिस ऑफिसर होने की बिना पर सबसे पहले तो ये कि ड्यूटी पर टाइम पर वक्त पर पहुंचना चाहिए, लोगों के मसाइल को सुनना चाहिए ताकि उन मसाइल को हल किया जा सके, अपने सीनियर्स को रोज़ाना के मामलात से आगाह करना चाहिए, जो भी रिपोर्ट जो भी मसला मसाइल आपके इलाके में हो आप अपने सीनियर से लाजमी डिस्कस करें, उसकी नॉलेज में वो तमाम मामलात होने चाहिए जो आपके इलाका में पुलिस का जो स्टेशन है उसके एरिया में जो मामलात वकूफ पजीर हुए हैं वो तमाम मामलात अपने सीनियर्स को लाजमी बताएँ, अपने जूनियर्स के मसाइल को हल करें। ये एक पुलिस ऑफिसर होने के बिना पर आपकी ड्यूटीज़ हैं, इसके अलावा भी बहुत सी ड्यूटीज़ हैं, आप कोई भी 2-3-4 ड्यूटीज़ बता सकते हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स से हमें इजाज़त दें, हमारी पूरी कोशिश थी कि तमाम सवालात को मुकम्मल वजाहत के साथ डिस्कस करें। इन 30 सवालात में हमने कोशिश की है कि 100+ MCQs 100+ क्वेश्चंस आपके साथ हम डिस्कस करें। इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में SPU इंटरव्यू में पूछे गए तमाम सवालात आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।